Hi guys, my name is Huma Tharwa. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about Padua University, University of Padua, that is in Italy. It is one of the oldest universities in the world, not only in Europe, but also in the world. So I think fifth oldest university in the world. So in this video, I'm going to tell you about this university, about the scholarship provided by this university, and what is the deadline to apply for the scholarship. This university provides a scholarship for bachelor degree program, master degree program, and also for PhD degree program. And the University of Padua, it offers scholarship to highly talented students wishing to pursue a bachelor, master, and PhD completely held in English in Padua. So in this video, I'm going to tell you about the scholarships, field of studies, target groups, and scholarship value, means financial benefits, eligibility criteria, required documents, what documents do you need to apply for the scholarship, and how to fill the application form, and what is the eligibility criteria to apply for the scholarship. So I suggest you please don't skip this video, watch this video till end, because it's very informative video. Okay, is video mein bahut sari information aisi hai jo ki aapko already nahi pata hoga, to is video ko skip na kijiyega, end tak har video ko dekhiyega. और मेरी एक सजेशन ये स्टूडेंट्स के लिए कि आप प्लीज़ जब वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो नहीं कोई भी वीडियो देखते हैं, तो आप छोटे छोटे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें कि जिसमें आप यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करें, यूनिवर्सिटी के मेन नेम के बाद आप उसकी रैंकिंग करें, कौन सा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैंशन कर दें, और जो आपका जो CGPA रिक्वायर्ड CGPA है वो आप एक कॉलम में लिख लें, एक एक्सेल की फाइल आप बना लें, उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिखें और आपने अप्लाई कैसे करना है, तो और डेडलाइन आप ज़रूर लिखिएगा. तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डेडलाइन आपकी क्या है, कि आपने किस डेडलाइन से पहले पहले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, दिस इज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इटली, एंड दिस यूनिवर्सिटी इज इन इटली. Bachelor is offers bachelor degree program, master degree program, and PhD. It offers partially and fully funded scholarship too. This is a public university. It was founded in 1222, so it is 801 years old, almost 800 years old university. The acceptance rate for this university is 60%, and the minimum average CGPA to apply in this university is 2.5. Now talk about world ranking. World ranking में जिसका number आता है, that is 151. सो आप देखेंगे वर्ल्ड रैंकिंग में इसका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है. इन यूरोप इट्स 45, इन इटली इज़ फोर्थ नंबर, एंड इन वेनेतो डेट इज़ इटालियन रीजन उसमें जिसका नंबर आता है दैट इज़ 1. ओके, नो टॉक अबाउट डिपार्टमेंट. यू नो देर आर अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट. आई गॉट सरप्राइज व्हेन आई सॉ दिस डिपार्टमेंट लिस्ट. आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि ये यूनिवर्सिटी जो है इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में डिग्रीज ऑफर कर रही है. तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा कि ये डिपार्टमेंट्स हैं. अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में से किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू कैन इजीली गो फॉर इट. ये डिपार्टमेंट्स हैं और दिस स्क्रीन पे आपको और डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं. सो आप बड़े ईजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. नो बेनिफिट, फुल ट्यूशन फी वेवर हो जाएगा. टोटल अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 8,000 स्कॉलरशिप पर ईयर. एडिशनल स्कॉलरशिप वर्थ 7,000 यूरोज इज ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अकोमोडेशन इज मे बी अवेलेबल ऑन द कैंपस. और ऐसा होता है कि अगर कैंपस में आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कुछ एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट आपको प्रोवाइड कर देती है कि अगर आप कैंपस से बाहर रहते हैं तो आपको वो अकोमोडेशन का हो जाता है. और यूनिवर्सिटी जो है वो एक टाइम का जो मील है वो भी प्रोवाइड करती है. अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. इट मीन ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, देन यू मस्ट हैव योर सेकेंडरी एजुकेशन रिजल्ट, यू मस्ट हैव योर सेकेंडरी एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा. इफ यू वांट अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, देन यू मस्ट कंप्लीट अ बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, यू मस्ट हैव योर बैचलर ट्रांसक्रिप्ट. इफ यू वांट अप्लाई फॉर PhD, देन यू मस्ट हैव योर मास्टर डिग्री एंड मास्टर ट्रांसक्रिप्ट. सो इट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. अच्छा, ईच डिपार्टमेंट है डिफरेंट रिक्वायरमेंट. सो बिफोर अप्लाइंग एनी डिपार्टमेंट, तो आप वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसे गो थ्रू कर लीजिएगा. बट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, यू मस्ट हैव योर वैलिड पासपोर्ट और वैलिड ID कार्ड, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और योर डिप्लोमा, अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इफ यू अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, एंड मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू मस्ट हैव योर बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट. अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है, देन यू मस्ट हैव योर मास्टर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट. आपकी CV हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. योर मोटिवेशनल लेटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. तो मेरी सजेशन ये है कि आप कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, आप अपने मोटिवेशनल लेटर को इतना यूनिक बनाइएगा कि जब भी कोई
आपकी मोटिवेशनल लेटर को रीड करे तो उसे ये पता हो कि आपने उसे कॉपी पेस्ट नहीं किया। बहुत से स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन उनका मोटिवेशनल लेटर और जो उनकी CV होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती और इतनी यूनिक नहीं होती, तो जिसकी वजह से उनकी रिजेक्शन हो जाती है। तो आप ये देखते हैं कि आपका CGPA जो है 3.5 है, 3.8, 3.7 है, जब 3.2 भी है तो उस बेस पे भी आपके एडमिशन हो सकते हैं अगर आपकी CV और मोटिवेशनल लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो जाएगा आपका, तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाह रही हैं, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो IELTS और TOEFL की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अदर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चूजन डिग्री प्रोग्राम, तो किसी भी डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपने उसके लिए जो है वो डिग्री प्रोग्राम जो रिक्वायरमेंट है वो पहले देख लेनी है। अवर फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट आउट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा। दे आर डिफरेंट ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा कोर्सेज हेल्ड इन इंग्लिश। यू वांट टू नो डैट ये यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से कोर्सेज जो है वो इंग्लिश में ऑफर कर रही है, देन क्लिक ऑन दिस वन एंड एडमिशंस, हाउ टू अप्लाई। देर आर डिफरेंट स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स ऑफर बाई दिस यूनिवर्सिटी। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, कोर्सेज हेल्ड इन इंग्लिश, लेट्स चेक इट। डिग्री प्रोग्राम्स हेल्ड इन इंग्लिश, कोर्स यूनिट हेल्ड इन इंग्लिश, तो यहाँ से आप लोग जो है ना वो आइडिया लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज जो है वो इंग्लिश में ऑफर कर रही है। अब हम लोग बैचलर्स के देखते हैं, एनिमल केयर, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल साइंस, टेक्निक्स एंड मेथड इन साइकोलॉजिकल साइंस, इटालियन, ये देख लीजिएगा। ये जितने भी है ये बैचलर के और मास्टर्स के भी आप देख लीजिएगा, मास्टर्स ये इंग्लिश में जो ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है। दे आर होल बंच ऑफ कोर्सेज जो कि यूनिवर्सिटी इंग्लिश में ऑफर कर रही है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फर्म्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस कंसल्टिंग, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, यूरोपियन एंड ग्लोबल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स एंड मल्टी लेवल गर्ल। अच्छा, इंजीनियरिंग में भी आप देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा है, मास्टर्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि ये इंग्लिश में ऑफर कर रही है, तो यहाँ से आप ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा, देखते हैं अब हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई फॉर अ फुल डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री। If you wanna apply for bachelor degree program, then click on bachelor degree. To be eligible for admission to a bachelor degree or a single cycle degree, अगर कहीं पर भी single cycle degree का option आएगा तो you should understand कि it means bachelor degree. You need a minimum 12 years school record. If you have been awarded a final diploma after a shorter program of study, in order to become eligible you must have attended at least in case of 11 years of schooling or 2 in case of 10 years of schooling years of academic studies or passed all the scheduled exams. यहाँ पे आप इनकी requirements वगैरह check कर लीजिएगा। ये bachelors की हैं, masters के लिए भी आप check कर लीजिएगा। foreign entry qualification suitable for admission। अच्छा, application procedure, bachelor में भी यहाँ पे application procedure का option होगा, let's check it। अच्छा, वहाँ पे आप एक पहले ये चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर, इंग्लिश थॉट प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोसीजर, क्लिक ऑन एप्लीकेशन प्रोसीजर, बिकॉज इंग्लिश थॉट प्रोग्राम अगर आप इटालियन में करना चाह रही हैं तो आपने इटालियन थॉट डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करना है, अदरवाइज एप्लीकेशन प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, टाइमलाइन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपका कोई आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही है कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। आपको आपकी CV चाहिए, मोटिवेशनल लेटर चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, जिसमें आपका अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है देन यू मस्ट हैव योर अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो सॉरी मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है देन यू मस्ट हैव योर बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। वैलिड ID कार्ड, इट मीन्स आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। अगर आप इटालियन सिटीजन है और इटालियन रेजिडेंट है तो आपके पास इटालियन रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि जी यहाँ पे IELTS और TOEFL जो है वो मैंडेटरी है कि नहीं है, तो मैं जो बता देती हूँ, इटली में जो इटालियन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे IELTS और TOEFL इज़ नॉट मैंडेटरी, ग्रीस इज़ नॉट मैंडेटरी, बट ईच डिपार्टमेंट हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट चेक नहीं करके आपको बता सकती, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो आप उस वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट है वो एक दफ़ा रीड कर लीजिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सच एज अगर आपको GRE या GMAT वगैरह रिक्वायर्ड है तो वो हो जाएगा।
सेम मास्टर डिग्री प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, चूज़ योर डिग्री प्रोग्राम एंड केयरफुली चेक इट्स एंट्री रिक्वायरमेंट। यही चीज़ मैं आपको भी बता रही हूँ कि जो भी आप प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो आपने उसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है तो वो आपने चेक करनी है। प्रीपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने करना है वो हम लोग जेपीजी में करें या पीडीएफ में करें। तो जब आप इसकी सारी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है तो उस पर सारी रिक्वायरमेंट मेंशन होती है, जैसा इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि यू नीड ऑल योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्म, रजिस्टर ऑन अप्लाई UNIPD बाय क्लिकिंग बिकम एन एप्लीकेंट। ओके, क्लिक ऑन दिस लिंक, हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपने क्या करना है, ये मेरे पास एक हुआ हुआ है, इसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आप को। मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट बनाए हुए हैं तो मेरा रजिस्टर है सेंड अ वन टाइम लिंक, तो मैं अपना जो है वो चेक कर लेती हूँ ईमेल आईडी, ईमेल क्लिक टू रजिस्टर अप्रूव। ओके, नाउ योर फुल नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, योर सिटीजनशिप, आई हैव अ रेफरेंस कोड, आई डोंट हैव रेफरेंस कोड, ओके दिस वन एंड दिस वन आई एग्री एंड कंटिन्यू। ओके, नाउ फाइंड प्रोग्राम्स, जो जो प्रोग्राम्स ओपन है वो आप चेक कर लीजिएगा। सपोज अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी में, आप बायोलॉजी पे क्लिक कर लेना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पे कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंस, सपोज मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, अच्छा बैचलर डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं देन क्लिक ऑन बैचलर डिग्री, मास्टर में करना चाह रही हैं देन क्लिक ऑन मास्टर डिग्री, अकेडमिक ईयर 2024-2025 इटालियन में करना चाह रही हैं, इंग्लिश में करना चाह रही हैं, कंबाइंड इटालियन और इंग्लिश में। मैंने सपोज ये दोनों कर दिए कि इंग्लिश और कंबाइंड इटालियन और इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लीजिएगा कि अगर आपको कोर्सेज मिलते हैं कंबाइंड इटालियन और इंग्लिश में तो मेरी सजेशन ये है कि आप कंबाइंड इटालियन और इंग्लिश ये कोर्सेज सिलेक्ट करें, क्योंकि एक तो ये हो जाएगा कि आपको इंग्लिश में कमेंड हो जाएगी, इटालियन में कमेंड हो जाएगी, और दूसरा अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं देन आपकी जो इटालियन में है वो कमेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे इटली में इटालियन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। अगर आपको इटालियन लैंग्वेज आएगी तो आपको जॉब मिलेगी, वरना आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि इटालियन और इंग्लिश के कॉम्बो में आप जाएँ ताकि आपकी इटालियन इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, यहाँ पे इस टाइम पे ये यूनिवर्सिटी जो है वो ये कोर्सेज ऑफर कर रही है इकोनॉमिक्स में, ये मैंने इकोनॉमिक्स का आपको बता दिया है। अब हम लोग जाते हैं बैक पे, मैं इसे अनचेक करती हूँ और सारे प्रोग्राम चेक करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी इस टाइम पे कितने प्रोग्राम ऑफर कर रही है। 53 प्रोग्राम डिपार्टमेंट जो है वो प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। आप यहाँ पे अपना चेक कर लीजिएगा कि आपने किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रही हैं। सपोज आई वांट अप्लाई इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, तो ये इस पेज पे लेके आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी आपने रीड कर लेनी है, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होंगी क्या नहीं होंगी आपने यहाँ पे सारा कुछ रीड कर लेना है। अब हम राइट साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे, सॉरी, माय प्रोफाइल है यहाँ पे, माय प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे नंबर नाम वगैरह सारा हनीफ, ओके, नंबर पासपोर्ट नंबर आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ कर देना है, इश्यू डेट जो भी होगी आपने वो देख लेनी है। इश्यू डेट वो होती है जिसमें आपको पासपोर्ट मिलता है, आपके पासपोर्ट पे ही रिटर्न है ये, और देन एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू, जिस कंट्री से इशू हुआ है वो आपने यहाँ कर देना है पाकिस्तान, एंड एश्योर्ड बाय पाकिस्तानी अथॉरिटी से हुआ हुआ है तो हम लोगों ने पाकिस्तान कर देना है, जेंडर हमारा हो गया, आपका जो भी जेंडर है वो आपने वो कर देना है, ओके, डेट ऑफ बर्थ आपकी, डेट ऑफ बर्थ कर दें यहाँ पे, ओके, कंट्री ऑफ बर्थ हो गया, कंट्री ऑफ बर्थ जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ होगी आपने
वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे, एंड प्लेस ऑफ बर्थ दैट इज योर सिटी हो गया लाहौर, ओके, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जिस कंट्री में इस टाइम पे आप रह रहे हैं आपने वो कर देना, सिलेक्ट कर देना है, पाकिस्तान, प्लीज़ मार्क द करेक्ट आंसर डेट अप्लाइज टू यू, ओके लेट्स चेक इट, आई एम एन ई यू स्टूडेंट, ये हमारे पे ई सिटीज़न हमारे पे नहीं होता, आई एम नॉन ई यू रिजाइडिंग इन इटली, ये भी नहीं होता अगर आप इटली में नहीं है इस टाइम पे, आई एम नॉन ई यू द आउटसाइड ऑफ इटली एंड आई डोंट हैव एनी, ओके अगर आप पाकिस्तान इंडिया वगैरह में किसी और कंट्री में रहते हैं यानी कि यूरोप में नहीं रहते हैं तो आपने ये सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप नॉन ईयू सिटीजन हैं और इटली में रहते हैं एंड यू हैव परमेसो दी सजोर्नो डेट इज़ इटालियन रेजिडेंस कार्ड तो आपने उसके में ये सिलेक्ट करना है सेकंड वाला। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, इसमें एक फॉर्मल फ़ोटो रिक्वायर है, लेट मी ट्राई माई फ़ोटो हियर, फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, यहाँ पे इन लोगों ने स्टैंडर्ड साइज़ वगैरह भी बताया हुआ है और साइज़ भी बताया हुआ है ओवरऑल, और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो भी कर दिया। नेक्स्ट क्लिक ऑन सबमिट के कॉन्टैक्ट पे आप आ जाएं, कॉन्टैक्ट पे आने के बाद आप ईमेल एड्रेस चेक कर लें, ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, योर स्काइप आईडी दीजिएगा क्योंकि आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो स्काइप पे होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रीट एड्रेस हो जाएगा स्ट्रीट नंबर 1, ओके हाउस नंबर आपका हाउस नंबर 1, सिटी प्रोविंस रीजन वो जो भी आपका होगा आपने वो लिख देना है, एंड पोस्टल कोड आपने ध्यान से ये चीज़ें फिल करनी है, कंट्री इज़ ओके लेट मी ट्राई दिस पाकिस्तान, ये भी हमने सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। उसके बाद मैं जाती हूँ एजुकेशन पे, एजुकेशन पे जाने के बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, सो आपकी जो इस टाइम पे लेवल ऑफ एजुकेशन है डेट इज़ बैचलर, ग्रेजुएशन आपका अगर हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन आपने जो भी आपका ईयर होगा आपने यहाँ पे वो लिख देना है, एंड यहाँ पे ऑफिशियल नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, मैं वैसे ही नेम लिख रही हूँ, नॉमिनल लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम का जितना लेंथ था आइदर दैट इज़ फॉर 4 ईयर्स और 2 ईयर्स आपने वो लिखना है। ये भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि पहले भी कुछ वीडियोस पे मैंने छोड़ दिया था तो उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है कि 2 ईयर्स करें 4 ईयर्स करें, आपने मिस कर दिया, तो ये आप लोग खुद देखें कि आपकी डिग्री का प्रोग्राम 3 ईयर्स था 4 ईयर्स था या क्या था। प्रोग्राम नेम जो है मैं इकोनॉमिक्स कर देती हूँ बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में अप्लाई कर रही हूँ, कंट्री पाकिस्तान। यहाँ पे अवार्डेड क्वालिफिकेशन और डिग्री में आप बीएस इकोनॉमिक्स कर दें, इकोनॉमिक्स कर दें, यहाँ पे भी आप बीएस कर सकते हैं, यहाँ पे भी बीएस कर दें। अच्छा डिप्लोमा इशू डेट, आपको किस डेट को इशू हुआ है आपका डिप्लोमा आपने वो कर देना है, स्टडी लोकेशन जो है लाहौर से किया, इस्लामाबाद या किसी भी सिटी से किया आपने वो लिख देना है। डिप्लोमा इशूड बाय, इशूड बाय में HEC जहाँ आपको जहाँ से भी आपका इशू हुआ हुआ है डिप्लोमा तो आपने वो मैंशन कर देना है। एवरेज ग्रेड आपका जितना ग्रेड था 3.83 समथिंग जो भी, और मैक्सिमम जितना होता है 4 वो आपने लिख देना है, ठीक है। ये करके आपने लेवल ऑफ एजुकेशन आपने उसके बाद इंटर की भी कर देनी है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपने यहाँ पे फिल करनी है, आपने यहाँ पे सारा कुछ लिख देना है। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट कर देनी है पाकिस्तान, और हम लोगों ने इसे सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, हम नेक्स्ट पेज पे भी चले जाते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज में आ जाता है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है दैट इज़ उर्दू, सो हम लोग उर्दू सेलेक्ट करते हैं, उर्दू सेलेक्ट की, एंड यहाँ पे आके
यहाँ पे आके लैंग्वेज टेस्ट डेट, यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज जो भी है ठीक है उसे छोड़ दें। ओके हमने यहाँ पे किया लैंग्वेज टेस्ट डेट, अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, अगर नहीं दिया हुआ तो इसे छोड़ दें। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, नो डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड, इसे हम बाद में देख लेते हैं। अदर्स पे जाते हैं, अदर्स पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन, लेकिन दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, इसे आप छोड़ दें। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या था कि कहाँ से हमें पता चला, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से पता चला या कहीं से भी आप लिख दें, इट डजेंट मैटर। सोशल नीड्स, सोशल नीड्स में आई विल कॉन्टेक्ट एड एडमिशन एंड वेलकम यूनिट अबाउट दिस इशू, अगर कोई इशू आता है तो आप बस उसे ये लिख दें। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, नेक्स्ट पेज इज़ चेक लिस्ट, चेक लिस्ट पे जाते हैं। देखें प्लीज़ रीड ईच गाइड एंड डिस्क्रिप्शन वेरी केयरफुली, तो आपने ये जो है यहाँ पे आके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड होंगे तो आपने सारे को बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट में सीवी हमारी अपलोड हो जाएगी, पहले हम लोगों ने सीवी अपलोड करनी है यहाँ पे। मेरे पास सीवी तो नहीं है लेकिन मैं एक जैसे डॉक्यूमेंट हर यूनिवर्सिटी में करती जा रही हूँ। ओके आई हैव अटैच माई सीवी, हमारी सीवी अटैच हो गई है, तो हम लोगों ने इसे क्रॉस कर देना, ये हमारा चेक हो गया। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पे आपने वो करना है। नेक्स्ट पे आपकी इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो आपने अपलोड करना है। इसी तरीके से जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे आपने सारे डॉक्यूमेंट इसी तरीके से अपलोड करता ही जाना है। एंड यहाँ पे फिर आके आपने लिख देना है आई हैव टेकन, नो नो आई हैव अटैच्ड सफिशियंट प्रूफ। ओके इसे पे हमने क्लिक करना है एंड देन क्रॉस, ये भी हमारा हो गया। मोटिवेशनल लेटर, इसी तरीके से लेटर ऑफ रेफरेंस हो गया, फाइनल बैचलर डिग्री डिप्लोमा हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री ये आपकी हो जाएगी, डिप्लोमा सप्लीमेंट और CIMEA स्टेटमेंट और ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ये हो जाएगा, पासपोर्ट, टेम्प्रेरी आपका रेजिडेंस प्लान, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट हो जाएगा, इसे हम लोग एक दफ़ा क्लिक करके चेक कर लेते हैं। आई एम नॉट अ नॉन EU रिजाइडिंग इन इटली एंड आई हैव नॉट अटैच, ठीक है ये हो जाएगा, रिजाइडिंग इन इटली नो, आई हैव अटैच नो, आई एम नॉट अ आउटलाइड इटली बट आई डोंट हैव, हम लोग ने इस पर क्लिक करना है ठीक है, बिकॉज आई एम अ नॉन EU सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इटली दस आई डोंट हैव अ वैलिड इटालियन रेजिडेंस, ये हमारा हो गया, इसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये टिक मार्क हो गया। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा, हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। लीगलाइजेशन ऑफ बैचलर डिग्री डॉक्यूमेंट्स, जो जो हमारे लीगलाइजेशन होगी तो वो हम लोगों ने कर देना है। आई डोंट हैव माई बैचलर डिग्री डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड लीगलाइज येट, तो अभी तक अगर आपकी लीगलाइज नहीं हुई है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आई हैव अटैच द, नहीं ये भी नहीं होगा, अगर आपके अटैच अगर आपकी DOB वगैरह बन चुकी है और लीगलाइजेशन हो चुकी है तो आप इस पर क्लिक कर दें। आपने इस तरीके से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड कर देने हैं और फिर आपने सबमिट पे जाना है। अच्छा यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, कितनी एप्लीकेशन फ़ी है, यहाँ की 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आपने पे करनी है, और जब आप वो पे करेंगे उसकी रिसीट जो है आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करके आपने यहाँ पे कह देना है आई हैव अटैच द एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, कि मैंने फ़ी पेमेंट रिसिप्ट कर दी है, उसके बाद आपने सबमिट के बटन को प्रेस कर देना है। अच्छा यहाँ पे आते हैं हम माई एप्लीकेशन देखते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है यू हैव वन एप्लीकेशन डेट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड येट, ये हो जाएगा। टास्क में हम जाते हैं, टास्क में आके उन्होंने बताया हुआ है कि प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आपकी अभी तक पेंडिंग है, मोटिवेशनल लेटर पेंडिंग है, लेटर ऑफ रेफरेंस पेंडिंग है, ये जो जो चीज़ें पेंडिंग है ये आपने सारा कुछ एक दफ़ा चेक कर लेना है। जो जो चीज़ें पेंडिंग होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, वो आपने अपलोड कर देनी है। तो ये सारा प्रोसेस है जिस तरह आप इसके यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा आप इनबॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, अगर इनबॉक्स में कोई यहाँ पे वो है कोई मैसेज आया हुआ। अच्छा यहाँ देखें प्लीज़ क्लिक हियर टू फी यू पे योर एप्लीकेशन फ़ी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस पे, मुझे ईमेल रिसीव हो गई है इनकी, यहाँ पे इनबॉक्स पे आया करेगी, आपने यहाँ पे इसे लॉगिन करके इनबॉक्स चेक करते रहना है कि अगर कोई ईमेल आएगी। यहाँ पे आके आपने अपने 30 यूरो जो हैं वो पे कर देने हैं, कैसे पे करने हैं वो आपको पता चल गया है कि आपने अपना वो कार्ड वगैरह देना है, अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आके एंथ्राकोनला तो ईमेल इसे सॉरी ईमेल पे
इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। ईमेल आईडी करके कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया एंड देन आपने अपना कार्ड सिलेक्ट करना है, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे ये फ़ी वगैरह जो है सारा कुछ पे हो जाएगा और यूनिवर्सिटी के पास खुद ब खुद सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इस तरीके से आपने अपनी जो है एप्लीकेशन वो सबमिट करवानी है। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें।